काफ़ी अवेटेड वीडियो थी सेल्स के ऊपर, तो सेल्स के ऊपर एक रिवीजन वीडियो मैं बनाने वाली थी उन लोगों के लिए जिन्होंने एनसीईआरटी रिवीजन सच में कंप्लीट किया है, उन्होंने एनसीईआरटी को ठीक से परखा है, अच्छे से पढ़ा है, रफ नोट्स बनाई हैं और उसके बाद वो एक इंटीग्रेटेड वेल ओरिएंटेड नोट्स चाहते हैं और उसके साथ अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं, वो भी कम टाइम में। ऐसे लोगों के लिए आज की वीडियो है। तो अगर प्लीज़ तुमने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है एनसीईआरटी को तो प्लीज़ जाके करके आ सकते हो, बिकॉज कोई जल्दी नहीं है, तुम जाके भी करके आ सकते हो अपनी सेल की रिवीजन। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो उसके बाद ही यहाँ पे आओ, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़े बिना यहाँ पे आओगे तो लगेगा कि क्या फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जैसा भाग रही है लड़की, इसको आखिर पता भी है कुछ, तो ऐसी एक फीलिंग आएगी। ठीक है, तो जो भी हो आज हम लोग सेल चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, कोशिश करूँगी 30 मिनट्स में कंप्लीट करने की, उसके बाद मैटर करता है टाइम कितना होगा। वैसे एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो नोट्स मेरे बनाए हुए हैं ये काफ़ी पुराने नोट्स हैं, करीब 1 साल पुराना नोट्स है, और ऑब्वियसली ये नोट्स का जो इंट्रीगेशन स्टाइल तुम लोग को दिख रहा है ये मैंने केवी एडुकेशन से लिया है, वो खुद भी एक यूट्यूब चैनल है और भैया बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, उनसे मैंने ये नोट इंट्रीगेशन की स्टाइल ली है, पर रिविज़न भैया कड़क हो गया यहाँ से। ठीक है, तो अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ से रिविज़न होगा या नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ से तो पक्का रिविज़न हो जाएगा, तो डोंट वरी, बस यहाँ पे बैठे रहो और आराम से सुनते रहो जो भी मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो पहले ना बात करते लिस्ट ऑफ इन्वेंशंस की। सॉरी, मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ इन्वेंशंस क्यों लिखा है, इसको मैं काट दूँगी, यहाँ पे लिस्ट ऑफ इन्वेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ इन्वेंशन को पहले काटते हैं, ये पता नहीं कैसे हो गया। मैं पहले बात कर लेती हूँ कि किसने क्या क्या डिस्कवर किया था, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। पहले तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल देखा था, ये हम लोगों ने पहली ही पेज में पढ़ लिया था। फिर क्या पता चला हम लोगों को, एंटोन वन ल्यूहेनॉक ने फर्स्ट लाइव सेल देखा, फिर हम लोगों को पता चला रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, उसके बाद पता चला एम श्लेडन ने, टी स्वान ने, दोनों बोटैनिस्ट जूलॉजिस्ट मिलकर सेल थ्योरी बना दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या पता चला, रडॉल्फ वर्चाउ जो है उन्होंने क्या किया, ओमनी सेलुलाई सेलुला किया, मतलब क्या कि सेल्स जो आ रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। और टी स्वान ने और एक काम किया था, वो था कि उन्होंने सेल हिपोथेसिस निकाली थी। सिंगर एंड निकोलसन ने, उन दोनों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाया था। कैमिलो गॉल्गी ने गॉल्गी बॉडी डिस्कवर किया और जॉर्ज पेलेड ने राइबोसोम डिस्कवर किया। तो ये जो पूरी पूरी की पूरी पेज दिख रही है, बाबा स्क्रीनशॉट रखो, जो करना है वो करो, इस पूरी पेज को ना सेल के फर्स्ट चैप्टर में चिपका दो। मैं आराम से कह सकती हूँ इस पेज से आधी से ज़्यादा क्वेश्चंस मैच हो जाते हैं पीवाईक्यू से, तो काफ़ी क्वेश्चंस है इसी एक पेज के ऊपर। ठीक है, अब सेल्स पे आते हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा जो कि 0.3 μm है, फिर लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, बैक्टीरिया का साइज़ जो होता है वो होता है 3 to 5 μm, RBC का साइज़ होता है 7 μm। अब इस सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर दो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स डिपेंड कर रहे हैं। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है तो वो यूकैरियोटिक सेल होता है, अगर एब्सेंट होता है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूँ तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा, PPLO, ये सब कुछ प्रोकैरियोटिक्स में आता है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, यहाँ पे जियोनोमिक DNA नेकेड होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जियोनोमिक DNA नेकेड होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी तो मार्क करना है ना मेरे को। यहाँ पे जियोनोमिक DNA जो होता है वो नेकेड होता है। ठीक है, अभी जियोनोमिक DNA प्लस प्लास्मिड बनता है तो काफ़ी सारे बन जाते हैं, स्मॉल सर्कुलर नेकेड एंटीबॉडीज। ठीक है, फिर आता है सेल एनवेलप जिसके तीन लेयर होते हैं। आउटर लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है, मिडिल लेयर को सेल वॉल कहा जाता है, इनर लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, पहले बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। लूज लीथ होता है, अगर लूज लीथ होता है तो वो स्लाइम लेयर बन जाता है। क्या बन जाता है? स्लाइम लेयर बन जाता है वो। और अगर थिक एंड टफ होता है तो कैप्सूल बन जाता है। ठीक है, ये समझ में आया।
अब ग्राम्स ट्रेनिंग की बात आ रही है। देखो ग्राम्स ट्रेनिंग को लेकर काफ़ी सारे बुक्स में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी डायलॉगें लिखी हुई है, पर मैं एक छोटा सा ट्रिक देती हूँ तुम लोगों को। अगर ग्राम स्ट्रेंथ रिस्पॉन्ड हो रहा है इसका मतलब वो ग्राम पॉजिटिव है, और नहीं रिस्पॉन्ड हो रहा है तो ग्राम नेगेटिव है। बस इतना याद रखता है, इससे ज़्यादा एनसीईआरटी नहीं बोलती है, ठीक है। मीसोसोम्स क्या होते हैं? वो एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्या बनाता है? वेसिकल्स बनाता है, ट्यूब्यूल्स बनाता है, लैमिली बनाता है। ये और क्या क्या करते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन करता है, रेस्पिरेशन करता है, सीक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्रोमेटोफोर्स में। ये क्या होता है? इन साइनोबैक्टीरिया मतलब कि ब्लू ग्रीन एल्गी में दे आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन नोन एज क्रोमेटोफोर्स। तो मेनली यहाँ पे बात होगी ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। साइनोबैक्टीरिया लिखा है, पास में ब्लू ग्रीन एल्गी लिख दिया है। आई होप अगर एमसीक्यू घुमा के दिया जाए तो तुम कन्फ्यूज़ नहीं होने वाले हो। गैस वैक्यूल्स की बात करते हैं, दे आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियाज। तो इतने सारे कलर्स के बैक्टीरिया में मिल ही जाते हैं। अब ये जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ ना, इस पर मैंने स्टार मार के रखा है। स्टार मार के रखा है मतलब कोई तो रीज़न है। ऑब्वियसली ये है सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर हम लोग तीन पार्ट्स के बारे में जानेंगे, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्री। तो फ्लैजिला में क्या होता है? मूवमेंट होता है, और सिर्फ फ्लैजिला ही होता है जहाँ पर मूवमेंट होता है, क्योंकि बाकीज में तो अटैचमेंट हो रखी है। देखो देखो ठीक से देखो, बाकी इसमें अटैचमेंट हो रखी है, ठीक है। और फ्लैजिला में क्या होता है? फिलामेंट हुक बेसल बॉडी। और पिलाई में क्या होता है? पिलीन प्रोटीन होती है। फिम्ब्री में क्या होते हैं? ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं, समझे। उसके बाद आते हैं राइबोसोम में, एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लोग क्या होते हैं? ये लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं। इनमें 70S मिलता है, मतलब 50+30S मिलता है, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये अभी तक मैं बात कर रही हूँ प्रोकैरियोटिक की, ऑब्वियसली या प्रोकैरियोटिक की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा चेक कर लिया, क्या पता मैंने गलत बोल दिया तो फिर सब आ जाएंगे मेरे को बोलने कि मैंने गलत बोल दिया। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या करना? प्रोटीन सिंथेसिस करना। और यहाँ पे पॉलीराइबोसोम्स मिलते हैं, जो किससे बनते हैं? राइबोसोम प्लस डीएनए से। इसके बारे में कम डिस्कशन करें तो भी चलेगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोग 12th के जेनेटिक्स में फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ में। यह क्या होता है? रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। जो भी रिजर्व मटेरियल मिलते हैं ना बॉडीज़ में, वो इंक्लूजन बॉडी के टर्म पे स्टोर किया जाता है। फॉस्फेट, साइनोफेसियन, ग्लाइकोजन, ग्रेन्यूल्स, ये सब। अगर हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की डिफरेंस में मेजॉरली गौर करें तो यहाँ पर ये वाली जो मैंने लिखी है ना, ये इंपॉर्टेंट मतलब ये मेजर इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में एब्सेंट है पर यूकैरियोट में प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट में एब्सेंट है पर यूकैरियोट में प्रेजेंट है। और मोनेरा एक ऐसा सेल है जहाँ पे प्रोकैरियोट सेल्स मिलते हैं। और प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल्स, प्लांट्स, इन लोगों में यूकैरियोट्स मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं यूकैरियोट सेल्स में। पहले बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसमें क्या क्या रहता है। प्रोटीन रहता है, लिपिड्स रहता है। ऐसी वैसी कोई लिपिड नहीं बेटा, ऐसी वैसी कोई लिपिड नहीं, फॉस्फोलिपिड रहता है, ठीक है। फिर क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। अगर एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का हम लोग रेशियो निकाले प्रोटीन लिपिड का, तो वो 52:40 आता है। कितना आता है? 52:40। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, एमसीक्यूज आ चुके हैं इसके ऊपर। ये क्या है बच्चा? ये है फ्लूइड मोज़ेक, ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। यहाँ पे पेरिफेरल नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया पेरिफेरल। वो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बायलेयर मेंशन कर दिया। ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डायग्राम से पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखो यहाँ पे दो टाइप के प्रोटीन की तो बात होती है, क्या होती है? यहाँ पे दो टाइप के प्रोटीन की तो बात होती ही है। जैसे कि पहला प्रोटीन जिसकी बात होती है वो है पेरिफेरल, जो ऑन द सर्फेस रहता है। और जो दूसरी प्रोटीन की बात होती है वो इंटीग्रल होती है, जो टोटली ब्यूरिड भी हो सकता है और पार्शियली ब्यूरिड भी हो सकते हैं। दो काइंड्स के हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर यहाँ पे एक समझने की बात है कि सेल के अंदर ना एक्वस मीडियम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा सरफेस तुमको दिख रहा है, ये जो पूरा सरफेस तुमको दिख रहा है, ये वाला सरफेस, ये जो पूरा सरफेस है ना, ये पूरा सरफेस तो वाटर से भरा हुआ है। तो उसका जो हेड है ना, तुम अच्छे से देखो, मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया है, उसका जो हेड है वो बाहर के साइड में है। वो ये जो टेल मैंने अभी ड्राइंग किया वो इनर साइड में है। तो हेड अगर बाहर साइड में है तो ये काफ़ी क्लियर है कि
इसकी हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग है. ऑब्वियसली वाटर लविंग है इसीलिए तो वाटर के साथ रह पा रहा है, स्टे कर पा रहा है. और अगर टेल है तो वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब वो वाटर से डरता है, इसीलिए वो डाउन साइड में है कि नहीं. यही बात बताई गई है यहाँ पर. कार्बोहाइड्रेट इज इन फॉर्म ऑफ शुगर. शुगर तो हम लोग को दिखी गया, ये रहा शुगर, ये रहा प्रोटीन, ये रहा लिपिड लेयर, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है, ये सब रह ही गया, दिख ही रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी दिख रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें मुझे डायग्राम्स में दिख ही रहा है. उसके बाद मैं आ जाती हूँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में. तो रचयिता कौन है इसके, ऑब्वियसली सिंगल्स एंड निकोलसन, पहले ही बोल दिया मैंने डिस्कशन के टाइम पे. फिर क्या होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड एनेबल्स द लैटरल मूवमेंट. अच्छा, क्वासी फ्लूइड नेचर क्या होता है, पढ़ते पढ़ते का तो ख्याल आया होगा कि क्वासी फ्लूइड क्या होता है. तो क्वासी फ्लूइड जो होता है ना, वो होता है कि या तो वो फ्लूइड फॉर्म में नहीं है, या तो वो पूरी पूरी सॉलिड फॉर्म में नहीं है. ये प्रोटीन्स को मूवमेंट में काफ़ी हेल्प करता है. और एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड बाय फ्लूइडिटी. तो फ्लूइडिटी के हेल्प से ना मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट में हेल्प हो जाती है. फिर हम लोग आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल. जैसे तुम लोग की जेई नीट, जेई एडवांस, इन सब एग्जाम्स के जैसे सिलेक्टिवली परमिएबल होता है. भाई एग्जाम सब देने बैठेंगे, बस सिलेक्ट होंगे कुछ चंट मिंटी, ठीक है. तो ऐसी बात हो गई है. यहाँ पे दो टाइप्स के डिवीजन मिलते हैं हम लोग को, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें या तो यहाँ पे सॉल्यूट्स न्यूट्रल होते हैं, डिफ्यूजन जो होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक होता है, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल ऑब्वियसली, क्योंकि ऑस्मोसिस जब भी हो रहा है ना हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे हो रहा है. और यहाँ पे क्या मिलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो कैरियर ऑफ प्रोटीन होते हैं, ठीक है. और दूसरे पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऑस्मोसिस मूवमेंट होता है बाय द वाटर इन डिफ्यूजन, और यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ठीक है, डिफ्यूजन होता है, जो क्या होता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो कि काफ़ी काफ़ी अननेचुरल है. खुद बताओ, कभी ऐसे ऑस्मोसिस के बारे में सुना है जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहा है, नहीं सुना है. तो उसके लिए एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि सोडियम पोटेशियम पंप, ये होता है एग्जांपल जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन तक जा सकता है मटीरियल. देखो यहाँ पे सेल वॉल के बारे में मैंने क्या बोला है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि वो रिजिड स्ट्रक्चर तो होता ही है. दूसरा क्या क्या काम करता है, शेप देता है सेल को, सेल प्रोटेक्शन करता है, सेल सेल का इंटरेक्शन करता है, प्रोवाइड करता है बेरियर, ठीक है. फिर क्या करता है, सेल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, गैलेक्टेंस, मैनन्स, मिनरल्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. और प्लांट सेल वॉल किससे बनती है, सेल्यूलोस, हेमी सेल्यूलोस, प्रोटीन, पेक्टीन, इन सबसे क्या होता है, हम लोग का प्लांट सेल वॉल बनता है. यहाँ पे दो चीज़ें मैंने और मेंशन की है कि 1 डिग्री सेल वॉल है यंग और 2 डिग्री सेल वॉल है मैच्योर. मैं एक बात फिर से बोल देती हूँ कि ये जो नोट इंट्रीगेशन स्टाइल है ये ईवी एडुकेशन से ली गई है. आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक हिज नेम वॉज ईवी एडुकेशन, क्योंकि एक साल पहले मैंने उनसे इंट्रीगेटेड स्टाइल में नोट्स बनवाई थी. तो इफ़ यू वॉन्ट टू चेक हिज चैनल, यू कैन श्योरली चेक हिज चैनल, ठीक है. यहाँ पे मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट. अब भाई ये करता क्या है, बोल तो दिया कैल्शियम पेक्टेट से बनता है. देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है, इस स्ट्रक्चर के बारे में अभी बात करने वाले हैं हम लोग. इस स्ट्रक्चर में तुम लोग को क्या दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है कि एक डायग्राम है जिसमें सेल्स एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग में कनेक्ट है, ठीक है. तो इन सेल्स को क्या कहेंगे, ये सेल्स जो एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग में कनेक्टेड है, इसको कहते हैं प्लास्मोडेस्माटा, ठीक है. और ये जो सर्फेस तुम लोग को दिख रही है येल्लो कलर की, ये जो सर्फेस तुम लोग को दिख रही है येल्लो कलर की, ये क्या होता है, ये होता है मिडिल लैमेला. क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को होल्ड करके रख रहा है एक साथ, ठीक है, इसीलिए मिडिल लैमेला बोला जाता है इसको. अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट पे, जिसका नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. क्या है उसका नाम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. यहाँ पे क्या होता है, कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ, मतलब कोऑर्डिनली मूवमेंट होती है इन लोगों में, ठीक है. क्या होता है इनमें होता है पहली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आती है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर आता है लाइसोसोम, फिर आता है वॉक्यूल्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पहले बात करेंगे. रेटिकुलम मतलब वो नेटवर्क, टीनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. तो इतने तो समझ में आ गए कि ये रेटिकुलम की बात कर रही है, ये रेटिकुलम की मीनिंग है, ठीक है. फिर आते हैं रेटिकुलम के डिविजन्स पे. एक होती है आरईआर, आरईआर मतलब रफ होता है, आरईआर मतलब रफ होता है, एसईआर मतलब स्मूथ होता है, ठीक है.
तो आरईआर क्या कहता है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, और एसईआर में राइबोसोम एब्सेंट है, और आरईआर क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और एसईआर क्या करता है, लिपिड लाइक लिपिड स्टेरॉयडल मूव हार्मोन सिंथेसिस करता है, लिपिड लाइक लिपिड स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस करता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या कहता है, लिपिड लाइक लिपिड स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस करता है, ठीक है। अब आते हैं एक लाइन पे जो पूरी पूरी एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट की गई है, ईआर डिवाइड इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू द डिस्ट्रिक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल इनसाइड होता है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। गॉल्गी अपैरेटस में आते हैं, गॉल्गी अपैरेटस क्या होता है, डेंसली स्लेंट रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस, इतना तो हम लोगों को पता है, पढ़ के रखा है हम लोगों ने। दे कंसिस्ट ऑफ एनी फ्लैट डिश शेप्ड और सिस्टर्न्स, ओके, सिस्टर्न्स मतलब इन फोल्डिंग्स को कहते हैं सिस्टर्न्स, ठीक है। उसकी साइज भी दी गई है, जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, क्या पता कभी एनटीए का मन हो गया क्वेश्चन देने का, तो दे आर स्ट्रक पैरेलल टू ईच अदर, सब एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं। अब इसका क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन इस पार्ट से बनता है, क्वेश्चन इस पार्ट से बनता है जो मैंने लिखा है, पैकेजिंग ऑफ द मटीरियल्स, पैकेजिंग ऑफ द मटीरियल्स, इसका मेन फंक्शन क्या है, पैकेजिंग ऑफ द मटीरियल, और ये साइटोफॉर्मेशन किस किस का है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, किस किस का है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। अब यहाँ पे फंक्शन समझना है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरे को मटीरियल भेजता है, ये जो मटीरियल मेरे को भेज रहा है, ये कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ये मेरा कन्वेक्स फॉर्मिंग फेस एक्सेप्ट कर रहा है, ये है मेरी गॉल्गी बॉडी बाबा, ठीक है, और यहाँ पे है मेरा कॉनकेव फेस, और यहाँ पे यहाँ से वो जब मेरी मटेरियल एक्सेप्ट कर रहा है तब वो कहाँ पे दे रहा है, गॉल्गी बॉडी में दे रहा है, यहाँ पे पैकेजिंग हो रही है, पैकेजिंग के बाद रिलीज हो रही है, क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। फिर आते हैं लाइसोसोम्स में, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर, काफ़ी याद रखने वाली पॉइंट है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है। लाइसोसोम्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गॉल्गी एपिडर्मिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आती है यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन आती है यहाँ से। वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएस, कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन भी होता है ये उनमें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियर एसिड, एंजाइम्स एक्टिव होते हैं इस एसिडिक पीएच, एंजाइम्स आर एक्टिव इन द एसिडिक पीएच, ठीक है। फिर आते हैं वर्क्यूल्स पे, इट कंटेन्स वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो कि नॉन यूजफुल मटीरियल जो भी रहता है वो वर्क्यूल स्टोर करता है, इसमें हम लोग को 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई कर सकता है। टोनोप्लास्ट फैसिलिटीज टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस ऑफ द एगी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पकड़ सकते हो, क्योंकि ये कभी कभी आ जाता है। अच्छा, जिन लोगों को लग रहा है कि टोनोप्लास्ट क्या है भैया, यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख दिया है, टोनोप्लास्ट है मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस जो साइटोप्लाज्म में हम लोग को मिलता है उसे हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स इन द एमीबा फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, हाँ भाई ये वॉक्यूल बहुत हेल्पफुल है एमीबा के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए, और सम प्रोड्यूस फूड वॉक्यूल्स होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। इस डायग्राम में मुझे क्या क्या दिख रहा है, ये ब्लू कलर की जो लाइनिंग है इसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ब्लैक कलर की जो बॉर्डर है उसको हम लोग इनर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ये जो फोल्डिंग्स दिख रही है बीच बीच में इसको हम लोग सिस्टर्न ही कह रहे हैं, जो कि फोल्डिंग्स है, मैंने पहले मेंशन कर दिया, देखो फोल्डिंग्स है मैंने मेंशन कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, देखो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन मैंने बनाया है, ये कन्फ्यूजन हो सकता है, इनके बीच में जो फोल्डिंग्स है इसी को हम लोग सिस्टर्न ही कहते हैं, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। और ये जो रेड कलर की डॉटेड मैट्रिक्स है, मतलब सॉरी डॉटेड स्ट्रक्चर्स है, इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, हाँ भाई खाना तो उतना ही दोगे ना जितना उसको भूख लगी हो, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा नहीं दोगे। और हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, बहुत मतलब जायज़ सी बात है, तो यहाँ पे उतनी ही दी जाएगी जितनी ज़रूरत है, यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। सॉसेज शेप होता है, ये तो सिलिंड्रिकल शेप होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉसेज शेप और सिलिंड्रिकल शेप, डायमीटर और लेंथ याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पावर हाउस कोई नहीं भूल सकता इसको, 8 से पढ़ते आ रहे बेटा। सिंगल सर्कुलर डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ भी चुकी है, क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस आ भी चुकी है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से
कभी कभी सॉरी सिंगल सर्कुलर डीएनए से कभी कभी क्वेश्चंस आ भी चुकी है, ठीक है। फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स है, राइबोसोम 70S, प्लीज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनटीए तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस ऐसे बनाएगा, कहीं भी तुमको राइबोसोम 70S भी मिलेगी, कहीं पे तुमको 80S भी मिलेगी, सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि कहाँ पे 70S हो रहा है, कहाँ पे 80S हो रहा है, ठीक है। ठीक है, डिवाइड बाय फिजन, फिजन से डिविजन होती है, समझ में आ गया हम लोग को। अब आते हैं प्लास्टिड में, प्लास्टिड क्या होता है, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लेनॉइड, यूग्लेनॉइड ना भूलना बाबा, क्योंकि ऑल प्लांट्स तो याद रहेगा, यूग्लेनॉइड भूल भी सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, पिगमेंट कलर रहता है, जिसके लिए क्या होता है, तीन तीन डिविजन्स बन गए भैया, तीन तीन डिविजन्स में क्या है, पहला है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिनके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के लिए क्लोरोप्लास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग सबको पता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, कैरोटीनॉइड रहता है, ठीक है। पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, फ्लैट सॉल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, जिसमें कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल्स मिलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में हम लोग को तीन टाइप्स के मिलते हैं, एक होता है अमाइलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म पे, इलायोप्लास्ट जो ऑयल और फैट्स को स्टोर करता है, और दूसरा है एल्यूरोप्लास्ट जो क्या करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है। यहाँ पे मैंने दूसरी डायग्राम बनाई है, ये डायग्राम बनाई है ये दिखाने के लिए कि थायलाकॉइड्स कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हम लोग को बिल्डिंग जैसी थायलाकॉइड्स दिख रही है, ये बिल्डिंग जैसी थायलाकॉइड्स, ये क्या होता है, ये बिल्डिंग जैसी थायलाकॉइड्स को हम लोग कहते हैं ग्रेनल थायलाकॉइड्स, ठीक है। और ये जो थायलाकॉइड्स ज्वाइन कर रही है, इन्हें हम लोग कहते हैं स्ट्रोमोथायलाकॉइड्स। और ये तो हम लोग को क्लोरोप्लास्ट मिल ही जाएगा लीव्स के अंदर, काफ़ी जायज़ बात है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ और चीज़ें भी बताने को हैं, जैसे कि फाउंड इन मेसोथर्मल सेल्स ऑफ लीव्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यूज आ चुके हैं यहाँ से। लेंथ शेप्ड ओवल स्फेरिकल डिस्कॉइड शेप्स वगैरह पढ़ना है, लेंथ और विथ पढ़ लेना है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनस वन सेल ये भी पढ़ लेना है, जी एनगी ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मोर परमिएबल होता है, इनर में लेस परमिएबल होता है। स्मॉल स्ट्रैंडेड डीएनए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और राइबोसोम 70S, बाबा प्लीज़ ये सबसे ज़्यादा गलती होती है, तो प्लीज़ इसमें गलती ना करना। मैंने मेरे 11th में सबसे ज़्यादा गलती की थी राइबोसोम काउंट में, काफ़ी जगह में कंफ्यूज करने के लिए राइबोसोम 70S 80S दोनों ही दे बैठते थे वो लोग ऑप्शन में, और मैं सच में कंफ्यूज होकर गलतियाँ करके आई हूँ, इसीलिए राइबोसोम में तो प्लीज़ गलती मत करना। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, बाबा खबर रखना इन लोगों की, ठीक है, गलतियाँ मत करना। राइबोसोम के केस में आते हैं, ये क्या होता है, कंपोज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन होता है। यहाँ पे देखो 80S का भी कार राइबोसोम मिल रहा है हम लोग को, है कि नहीं, इसीलिए तो मैंने बोला, इसीलिए मैंने बोला कि 70S 80S बहुत सारे मिलेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है, समझ गए। कोई नहीं, अब आता है स्वेगबर्ग यूनिट, जिसको हम लोग सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये क्या होता है, ये राइबोसोम का डेंसिटी और साइज दोनों पे मैटर करता है, डेंसिटी और साइज दोनों पे मैटर करता है, ठीक है। अब आते हैं साइटोस्केलेटन में, ये वाला पार्ट मैं बेटर बोलूँ ना ही, मतलब पढ़ने जाओगे समझने जाओगे तो बोरिंग लग जाएगा, तो ये वाला पार्ट याद करके निकलना सबसे अच्छी वाली बात होगी। नेटवर्क्स ऑफ फिलामेंट प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन साइटोप्लाज्म, ये सब रहते हैं। और फंक्शंस के केस में मैकेनिकल सपोर्ट, मोर्टैलिटी, इन दोनों को तो बहुत अच्छे से याद रखना है। कभी कभी शेप से क्वेश्चन आता है, बट कम आता है, मतलब मैंने नहीं देखा इतने क्वेश्चंस, ठीक है। सीलिया और फ्लैजेला में आते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, काफ़ी क्वेश्चनेबल पॉइंट है हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, काफ़ी क्वेश्चनेबल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे सीलिया क्या करता है, मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, बाबा यहाँ पे समझना, मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, सराउंडिंग फ्लूइड का लगभग मूवमेंट सीलिया कराता है, और फ्लैजेला क्या कराता है, लॉन्गर देन सीलिया होता है, ये सेल मूवमेंट कराता है। यहाँ पे सेल मैंने लिखा है, पर सीलिया के क्षेत्र में वो सराउंडिंग ऑफ मूव सराउंडिंग फ्लूइड को मूवमेंट करा रहा है, और फ्लैजेला मेनली सेल को मूवमेंट करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है जिसको पॉइंट पे रखना है, बैक्टीरिया फ्लैजेला स्ट्रेट डिफरेंट, ओके। बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला इमर्ज टू फॉर्म द सेंट्रियोल,
लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ द बेसल बॉडी। इसको थोड़ा सा मार्क करके रखो, बाद में जाकर पता चलेगा कहाँ पे मिल रहा है। अब देखो तुम्हारे सामने मैंने एक डायग्राम रख दिया है और इस डायग्राम में हम लोग को क्या क्या दिख रहा है, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स मिल रहे हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स मिल रहे हैं जो कि ड्यूबलेट होते हैं। ड्यूबलेट मैंने ड्राइंग भी कर दिया है, देखो मैंने ड्यूबलेट्स को ड्राइंग किया है, ये रहे मेरे ड्यूबलेट्स, इन्हें मैंने ड्राइंग भी कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या है, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स है जो सेंटर में बना हुआ है, ये क्या है, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स है। ये जो पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो कनेक्टेड स्पीसीज है इसको हम लोग कह रहे रेडियल स्पोक। और ये जो स्लीथ है जो क्या कर रहा है, मेरे सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल को पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल से अलग रख रहा है, इसको हम लोग सेंट्रल स्लीथ कहते हैं। एक एक डायग्राम को स्टडी करना पड़ेगा वरना नहीं याद रहेगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेंट्रोसोम की बात में आए तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक सिलेंडर और दूसरा सिलेंडर परपेंडिकुलर पोजिशन में है, तो इसे हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, सेंट्रियोल। यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई है कि यहाँ पे 9 फिब्रिन होना चाहिए था और यहाँ पे मैंने कर दिया 8 फिब्रिन। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। ठीक है, यहाँ पे 9 फिब्रिन होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो लिख भी दिया 9 फिब्रिन ईच ट्यूब्यूलिन। ठीक है, और यहाँ पे ईच फिब्रिल में हम लोग को ट्रिपलेट दिख रहा है, दिख तो रहा है। ये देखो ये सब ट्रिपलेट है कि नहीं है। ऑब्वियसली सेंट्रल फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया फ्लैजुला एंड द स्पिंडल फाइबर। बोला ना उस पॉइंट को मार्क करने के लिए, क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे भी वो सही सेम चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, वही की बात यहीं पे लिखी हुई है। ठीक है, अब न्यूक्लियस में आते हैं। न्यूक्लियस को हम लोग डायग्राम से ही पहचान लेंगे। ये वाली है आउटर मेम्ब्रेन। ये जो लेयर दिख रही है ये इनर मेम्ब्रेन। ये जो पार्ट है यहाँ पे इसको हम लोग क्रोमैटिन कहेंगे, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। ये मेरा न्यूक्लियस है, समझ ही आ रहा है। और ये वाली पार्ट मेरी है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, सॉरी इसको ऐसे नहीं मार्क करूँगी, कंफ्यूज कर जाऊँगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे दिख ही रहा है कि ये मेरा क्रोमैटिड है। ये क्या है, ये मेरा सेंट्रोमियर है और ये मेरा काइनेटोकोर है। और ये है मेरा फाइनल पार्ट इस लेक्चर का। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ डायग्राम्स बना के रखा है और इस डायग्राम्स में क्या दिखाया जा रहा है, साइज मैटर दिखाया जा रहा है। देखो अगर मैं बहुत कॉन्सेप्चुअली बात करूँ, इसमें क्या है, इसकी साइज़ पूरी सेम टू सेम जा रही है, क्योंकि यहाँ भी 50% वहाँ भी 50%। पर ये क्या है, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, लग नहीं रहा है कि ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, जैसे थोड़ा सा छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया है। ठीक है, और ये तो गायब ही हो गया, ये तो चला ही गया, गायब ही हो गया, ये टकला हो गया। हाँ, क्योंकि ईवी एडुकेशन ने हम लोग को ऐसे याद दिलाया था कि अगर टकला हो गया तो वो टेलोसेंट्रिक होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये बहुत छोटा हो गया, ये एक्रोसेंट्रिक होगा, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है तो ये सब मेटासेंट्रिक होगा। और ये क्या होगा, ये मेटासेंट्रिक होगा। देखो मेटासेंट्रिक इधर है, सब मेटासेंट्रिक इधर है, एक्रोसेंट्रिक है, फिर टेलोसेंट्रिक है। इसको भाई याद रखना है, एनसीईआरटी में डायग्राम मिल जाएगा इसका। और माइक्रोबॉडीज़ क्या होते हैं, माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं ये लोग। ये लोग क्या होते हैं, माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं तो प्लांट्स एंड एनिमल्स में मिलते हैं। और ये कहता है, क्या कहता है, कंटेन्स एंजाइम। सो बस आज के लिए इतना ही था, ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। और आई डोंट नो यू विल बिलीव और नॉट, बट ये पूरा लेक्चर कंजर्व करके तुम लोग को डिलीवर करना थोड़ा सा मुश्किल काम तो था, बट आई एम वेरी हैप्पी कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, मेरी भी रिवीजन हो गई, तुम लोगों की भी रिवीजन हो गई है। एग्ज़ाम्स अच्छे से दो, क्वेश्चन वगैरह अच्छे से बनाओ, काफ़ी अच्छी चैप्टर है, अच्छा लगेगा। और अगर तुम्हें मेरा ये लेक्चर पसंद आता है या ये सेशन तुम लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक करो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थोड़ा सा तुम्हारे सपोर्ट से मैं आगे जा सकती हूँ, बिकॉज़ यू पीपल आर द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। ऑल्सो मैं ये वाला PDF मेरे टेलीग्राम में रख रही हूँ। ठीक है, इससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और एक चीज़ जो मुझे एक ओपिनियन के सहारे चाहिए वो ये है कि क्या मुझे मेरे हैंड रिटन नोट्स रखने चाहिए या कि मुझे प्रिंटेबल फॉर्मेट में रखना चाहिए। क्या तुम लोग को हैंड राइटिंग ठीक से समझ आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करो, उसके अकॉर्डिंग ही वीडियोस बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग की नोट्स बनेगी। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू एंड द सेशन हेयर। थैंक यू फॉर कमिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।